नमस्कार दोस्तों, मैं सुरदाराम स्वामी। मेरे YouTube चैनल आर्ट लाइन SR स्वामी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। पति ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, बोला, सुनती हो, कल मैंने यहाँ नोट 500 500 के नोटों का बंडल रखा था, उस पर लाल रबड़ लगा हुआ था, कहाँ गया? तो पत्नी आई और वो रबड़ हाथ में लेके बोली, ये लो आपका रबड़, रबड़ के लिए जान निकली जा रही है। दोस्तों, शादी की अंगूठी एक बार पहनी थी और शादी के बाद अनेकों अंगूठियां पहन चुका हूं ग्रह शांति के लिए। एक सिपाही ने थानेदार को फोन किया, बोला, साहब जी, यहां पर एक औरत ने अपने पति को गोली मार दी। थानेदार बोला, क्यों? बोला, उसका पति है, वो गिल्ले फरश पर चल रहा था, पोंछा लगाई हुए गिल्ले फरश पर चल रहा था। तो थानेदार ने कहा कि तुमने उस औरत को गिरफ्तार कर लिया? बोले, नहीं सर जी, अभी उसका जो फरश है वो गीला है। पप्पू रोड पर चल रहा था, चलते चलते अचानक वह नीचे झुका और कुछ चीज उठाई, और उठाते ही वह पूरी जोर से चिल्लाया, बोले, कमीने लोग, हंगते भी इस प्रकार हैं जैसे कोई समोसा पड़ा हो। एक आदमी नया नया वकील बना था और उसे एक बड़ा ही सीरियस केस उसको मिल गया तुरंत। तो वो जिसका वकील बना था उसने वकील से कहा, बोला, कोशिश कीजिएगा कि उम्र कैद ही हो, फांसी न हो। तो उस वकील ने कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना, उम्र कैद ही होगी। अब जी, पेशी होने के बाद जो ही वकील बाहर निकला तो पत्रकारों ने पूछा, बोला, क्या हुआ केस का? तो वकील ने कहा, बड़ी मुश्किल से उम्र कैद करवाई है, वरना जज तो रिहा कर रहे थे। रेलवे स्टेशन पर एक आदमी ने स्टेशन मास्टर से पूछा, बोला, सर जी, मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ? तो स्टेशन मास्टर ने कहा, बोला, नहीं, तुम यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते। तो उस आदमी ने कहा, सर जी, देखिए ना आप, यहाँ चारों तरफ इतने टुकड़े पड़े हुए हैं सिगरेट के, ये कहाँ से आए? तो स्टेशन मास्टर ने कहा, ये सिगरेट के टुकड़े उन लोगों के हैं जिन्होंने हमें हमसे बिना पूछे सिगरेट पी ली। एक कोई मोटी औरत के घर में कोई चोर घुस आया, और चोर जो ही घर में घुसा तो उस मोटी औरत ने उसको दबोच लिया और पकड़ के उसके ऊपर बैठ गई और अपने पति को आवाज लगाई, बोले, आप जल्दी जाइए, थाने फोन कीजिए आप। तो पति बोला, जाऊं कैसे, मेरी चप्पल भी नहीं मिल रही है। तो उस चोर ने आवाज लगाई, बोले, भैया जी, चप्पल मेरी ले जाइए आप, पर थानेदार को जल्दी बुला के लेके आइए। एक गांव में भयंकर बाढ़ आ गई और वहां पर सेना के हेलीकॉप्टर लगे हुए थे, वहां से लोगों को उठा करके दूसरी जगह पे शिफ्ट करने में लगे हुए थे। तो एक पत्रकार ने क्या किया, सरपंच साहब से पूछा, बोले, सरपंच साहब, आपने यहाँ की जो जनसंख्या है उसकी गणना है वो गलत दे रखी है। तो सरपंच ने कहा, गलत कैसे दे रखी है? बोले, आपने रजिस्टर में लिखवा रखा है कि यहाँ 500 आदमियों की बस्ती है, मात्र 500 आदमियों की, और अब तक सेना के हेलीकॉप्टर 900 आदमियों को तो निकाल चुके हैं, और अभी देखिए ना कितने और आदमी खड़े हुए हैं। तो सरपंच बोला, रजिस्टर का जो हिसाब है वो सही है, 500 ही आदमी है, पर यहाँ इतने सारे जो लोग हैं इन्होंने कभी हेलीकॉप्टर की सवारी नहीं की, इसलिए सेना के हेलीकॉप्टर इनको यहाँ से उठाते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, और वहां से ये लोग फिर नदी में कूद जाते हैं दोबारा हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए। भगवान झूठ न बुलाए, मैं सरपंच होकर भी 9 बार तो मैं भी कूद चुका हूं। एक दामाद अपने ससुराल लखनऊ गया, तो वहां पर जाने के बाद में उनकी सासू माँ ने कहा, बैंगन शरीफ पका लूं या भिंडी मुबारक?
या आप पालक पाक खाना पसंद करेंगे? तो उस दामाद ने जवाब दिया, मैं बेरोजगार और बेआबरू बंदा हूं, इन मुकद्दस और अजीम सब्जियों के नाम लेने के भी काबिल कहां। आप तो ऐसा कीजिए, कोई बेगैरत और आवारा सा मुर्गा पका लीजिए। एक आदमी नाव से कहीं जा रहा था, तो बीच समंदर में उसकी नाव है और बीच नदी में उसकी नाव है, वो हिचकोले खाने लगी और वो नाव है वो पलटने ही वाली थी कि उसने भगवान से प्रार्थना की, बोले हे मालिक मुझे बचा ले, मैं 21 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। तो पानी का एक लहर आया और उसकी नाव को किनारे पे लेके चला गया। अब उसकी नाव जो ही किनारे पर पहुंची, किनारे पर पहुंचते ही उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, कौन से लड्डू, कैसे लड्डू। तब दूसरी लहर आई और उसकी नाव फिर से नदी के बीच में ले जाकर खड़ी कर दी। तब उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, बिल मालिक मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप छोटी बूंदी के लड्डू खाएंगे या बड़ी बूंदी के। एक कस्टमर बैंक में पहुंचा और जाकर के क्लर्क से बोला, बोला सर जी मेरा चेक है वो कितने दिनों में क्लियर होगा। तो क्लर्क ने कहा, 3 दिन में आपका चेक है वो क्लियर हो जाएगा। बोले सर जी इतना टाइम कैसे लगेगा, मेरा बैंक तो वो देखिए ना जस्ट सामने ही है, तो 3 दिन का टाइम क्यों लगेगा। तो उस क्लर्क ने कहा, प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए 3 दिन का टाइम लगेगा। अमेजिन कीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और बाजू में ही शमशान है और आप मर गए, तो आपको वहां से उठाकर पहले घर लेके जाएंगे फिर वहां लाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको वहीं खड़े खड़े ही निपटा देंगे। तो उसके बाद वो कस्टमर बेहोश। किसी कम पढ़ी लिखी लड़की की शादी किसी बड़े पढ़े लिखे लड़के के साथ हो गई, ज्यादा पढ़े लिखे लड़के के साथ हो गई। तो एक दिन उस लड़की ने बड़ा लजीज खाना बनाया, बड़ा लजीज खाना बनाया। तो पति आराम से खाना खा रहा था, खाना खाते खाते एक निवाला उसके गले में अटक गया और वो खांसते खांसते मर गया। तो उस लड़की ने छाती पीट के रोना शुरू किया, बोले हाय ये काय क्या हो गया, ये बिना पानी मांगे ही मर गए, इनके तो गले से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, वाटर वाटर वाटर। पढ़े लिखे दामाद ने अपने देहाती ससुर से कहा, बोला आपकी लड़की में दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। तो ससुर बोला, बोले कंवर जी थे तो सिर्फ लड़की को हाथ मांगो हो, दिमाग की बात आपनी कठे हुई ही। एक मुर्गा खिड़की में बैठा अपने मालिक को देख रहा था। उसका मालिक बहुत ज्यादा बीमार था और उसकी पत्नी उसके बगल में बैठी हुई थी। तो उस पत्नी ने कहा, आपको बहुत तेज बुखार है, मैं ऐसा करती हूँ आपके लिए चिकन सूप बना कर ले आती हूँ। इतना सुनते ही मुर्गे के तोते उड़ गए और उसने मालकिन से कहा, मालकिन आप कम से कम एक बार इनको पैरासिटामोल तो दे के देखिए। मैंने कन्फर्म सोच रखा था कि 2 शादियां करूंगा, एक पिटेगी तो दूसरी कम से कम बचा लेगी। रात मैंने सपना देखा, एक ने मुझे पकड़ रखा है और दूसरी